हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जब इसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ था जेके बोपी के थ्रू और बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी का, उस टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द कट ऑफ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वही पेज है जो मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना के हार्डली कोई 3-4 मंथ्स बैक मैंने ये वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द कट ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन J&K, स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स। और उसी पेज पे मैंने टॉप पे ये मेंशन किया था कि जो मेरा एस्टीमेट है कट ऑफ का, वो है 35 के अराउंड। और ये मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये इसका कट ऑफ बनाया था बाकी कॉलेजेस का, और वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज देखिए, यही कट ऑफ जेके बोपी ने जो कट ऑफ निकाला फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का, वो 30 के अराउंड निकाला है। तो मेरा एस्टीमेट और बोपी के एस्टीमेट में ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 5 पॉइंट्स का ही डिफरेंस आया है, 30। और मेरा जो कट ऑफ था, ये वही पेज है, आप मेरे वो जो वीडियो है आप उसको मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। यही पेज वो है जिसका मैंने आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसके बारे में डिस्कस करूँगा, जिसमें कॉलेज के नाम थे, कट ऑफ्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और कट ऑफ मैंने उस टाइम 35 का एस्टीमेट लगाया था, इस बार बोपी ने 30 तक उस कट ऑफ को लेकर गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी मच क्लोज टू द कट ऑफ। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एलिजिबल हुए हैं फॉर द काउंसलिंग, वो है 8550 के नियर अबाउट जो हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एलिजिबल हुए हैं फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एज वेल एज टेक्नोलॉजी, डेट इज़ 8550। और जो कट ऑफ गया है वो गया है 30 के अराउंड, जो कि मेरे एस्टीमेट से वेरी मच क्लोज था। मैंने 35 का एक एस्टीमेट लगा के चला था कट ऑफ का। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द लास्ट कट ऑफ ऑफ द वेरियस टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स इन J&K, और उनका कट ऑफ क्या रह सकता है लास्ट का। तो जो अगर मैं आपकी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर की बात करूं, जो मेरे अकॉर्डिंगली जो लास्ट कट ऑफ जा सकता है वो है इसका नियर अबाउट 65 के अराउंड लास्ट कट ऑफ, ठीक है। ये मेरा एक एस्टीमेट है, इसमें भी वेरिएशन आ सकता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इस बार कितने अपेयर होते हैं काउंसलिंग के लिए, कितने लोग जाते हैं। लेकिन एक रफ़ एस्टीमेट मैं एक लगा के बता रहा हूँ आपको कि मेरा जो रफ़ एस्टीमेट जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर का आ रहा है, वो नियर अबाउट 65 के अराउंड आ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अगर मैं बात करूं, तो मेरा उसका जो एस्टीमेट निकल के आ रहा है वो 85 से 87 के अराउंड निकल के आ रहा है, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अगर मैं डोडा की बात करूं, तो डोडा का जो लास्ट कट ऑफ जो निकल के आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 56 के अराउंड उसका मेरा कट ऑफ निकल के आ रहा है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज डोडा, जिसका मेरा कट ऑफ 56 के अराउंड निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ अदर कॉलेजेस की, वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर, उसका जो कट ऑफ जो निकल के आ रहा है वो मेरा निकल के आ रहा है नियर अबाउट 75 के अराउंड इसका कट ऑफ रहने वाला है लास्ट कट ऑफ, ठीक है। इससे ऊपर ही रहेगा, इसे लोअर आने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। अनंतनाग में ये है कि आप इसलिए हायर साइड पे आप बोल सकते हो क्योंकि अनंतनाग में आई थिंक इसमें सीट्स भी लिमिटेड हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे है। उसके बाद स्किम सिनेगर की अगर मैं बात करूँ, तो इस बार जो उसका कट ऑफ रह सकता है वो नियर अबाउट मदरे मेहरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्किम सिनेगर, इसका नियर अबाउट 75 के अराउंड रह सकता है उन्हें हायर साइड। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीन बाग श्रीनगर की बात करूं, तो इसका तो उससे भी ज़्यादा हायर साइड पे रह सकता है, नियर अबाउट 90 के अराउंड इसके रह सकता है कट ऑफ। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं जो मैंने अपना एक एनालिसिस किया था, इसमें मैंने एक चीज़ ये नोटिस की, जो कश्मीर डिवीज़न के जो कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हो,
उनका जो अगर मैं कंपैरिजन करूँ जम्मू डिवीज़न के कॉलेजेस के साथ, तो उनका कट ऑफ कश्मीर डिवीज़न का काफ़ी हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलिए कि इससे ये पता चलता है कि जो आपका जो कंपटीशन है कश्मीर डिवीज़न में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ठीक है, इवन मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ के कश्मीर डिवीज़न का मैंने ऐसे नोटिस किया कि कई बार अभी तो जम्मू डिवीज़न के गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल होती हैं और कश्मीर डिवीज़न के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कैंडिडेट्स जो कश्मीर डिवीज़न के प्राइवेट कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस देते हैं अगर मैं कंपैरिजन करूँ जम्मू डिवीज़न के कॉलेजेस के साथ। ये मेरा एक पर्सनल जो मैंने नोटिस किया है, हो सकता है मुझे कोई गलती लगी हो, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैंने आपसे शेयर किया जो मैंने जो एनालिसिस किया है 2021 की बात कर रहा हूँ, जो उसका एनालिसिस किया मैंने लास्ट ईयर का। ठीक है, मैं पास्ट टू ईयर से इसका मतलब अपने इस चैनल को मोर देन टू ईयर्स अगस्त में मेरे को 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। इवन मैं मान के चलो कि ये मेरा जो चैनल है ये मोर देन टू ईयर से मैं ये इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग्स को कवर अप किया अपने चैनल पे, मोर देन अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो इस टाइम मेरे चैनल पे 550 वीडियोज़ से ऊपर वीडियोज़ है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो मोर देन 500 टू 600 वीडियोस में अगर अपलोड कर चुका हूँ तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो मेरे को एक्सपीरियंस हो ही गया होगा इन काउंसलिंग्स को देख देख के। ठीक है, इवन मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ, मैं खुद पर्सनली भी कई बार इन काउंसलिंग्स पे रहा हूँ, देखा है जो भी मेथड रहता है इनका। ऑफलाइन काउंसलिंग की बात करूँ, ऑनलाइन काउंसलिंग में तो कंसर्निंग स्टूडेंट ही देखता है, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में मैं खुद पर्सनली जेके बोपी के ऑफिस में मैं प्रेजेंट था और मैंने वहाँ का जो भी सिनेरियो सब कुछ देखा है, कैसे कैसे जो क्या प्रोसीजर रहता है सब कुछ। ठीक है, तो मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से ही मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अगर आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीनबाग श्रीनगर में 90 तक का कट ऑफ रह सकता है, और मेडिकल कॉलेज बारामूला की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 83 के नियर अबाउट इसका भी कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला। और उसके बाद गवर्नमेंट साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग कश्मीर की बात करूँ तो इसका नियर अबाउट 67 के नियर अबाउट इसका जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद अलीमदार कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी चराय शरीफ, इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 67 के अराउंड इसका भी कट ऑफ आपका जा सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल की अगर बात करूं तो यहाँ पे नियर अबाउट इसका 59 के आसपास का कट ऑफ रह सकता है, लास्ट कट ऑफ। ठीक है, और ये सारे कट ऑफ जो हैं ये ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो कट ऑफ है वो आपका नियर अबाउट 55 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है मेरा अप्रॉक्सीमेट जो ये कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अगर मैं अखनूर की बात करूं तो अखनूर में जो लास्ट कट ऑफ है वो 52 के नियर अबाउट जा सकता है ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूं, और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ का भी नियर अबाउट इतना ही 52 के अराउंड रह सकता है कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद ये टॉप 13 आपके कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए जिसका मैंने कट ऑफ रेंज भी आपको बता दिए। तो अगर आप इसका इसमें देखें तो सबसे हायर साइड पे जो कट ऑफ इस बार का जो रह सकता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शरीनबाग का आ गया, फिर स्किम्स का आ गया, ठीक है, फिर आपका बीएससी ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कश्मीर श्रीनगर का आ गया, और अनंतनाग का भी हायर साइड पे आप ये बोल सकते हो क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सीट्स की कम सीट्स एज़ कम्पेयर टू द कॉलेजेस कम हो तो इसलिए इनका भी हायर साइड पे ही रहता है। तो ये आपका टॉप 13 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जिनमें जो कट ऑफ रह सकता है इस साल का फॉर द ईयर 2022 का। उसके बाद अगर मैं और आगे देखूँ तो ये 4 कॉलेजेस और हैं जिसमें आपका ये नर्सिंग पुलवामा में कॉलेज है, इसका कट ऑफ भी 68 के नियर अबाउट रह सकता है। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, 3 नर्सिंग कॉलेजेस हैं इसके आपको बताया, रजौरी 3 कैंपस है, रजौरी जम्मू किश्तवाड़, तो इनका भी जो इस बार रह सकता है रजौरी का 54 के नियर अबाउट रह सकता है, जम्मू का 53, और जो लास्ट में है किश्तवाड़ उसका नियर अबाउट 50 के अराउंड ये रह सकता है लास्ट कट ऑफ। तो फ्रेंड्स ये एक मेरा रफ एस्टीमेट है, मेरे को भी गलती लग सकती है, जैसे मैंने कट ऑफ पिछली बार 35 का एस्टीमेट किया था लेकिन बोपी का 30
का कट ऑफ आया था, ये वही पेज है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ आपने से चेंजेस नहीं किए हैं ताकि आप एक बार क्रॉस चेक कर सको पुरानी वीडियो से। यही मैंने कट ऑफ वेरियस कॉलेजेस के बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ जो कट ऑफ मैंने एस्टिमेट किया था 35 का। हाँ वो पी ने 30 का कट ऑफ किया था। तो अब हमसे भी गलती हो सकती है, एग्जैक्ट हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं क्लोज टू क्लोज एस्टिमेट लगाने का। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में मैं और भी कॉलेजेस का कट ऑफ आपसे शेयर करता रहूँगा। एडमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलता रहेगा। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप इस चैनल को काइंडली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। पास्ट 2 ईयर्स से मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स, और जो भी जॉब अपडेट्स हैं वो मैं अपने इंस्टा पे अपडेट करता रहता हूँ टाइमली। आज भी 3 या 4 अपडेट्स में शेयर किए हैं मैंने जॉब से रिलेटेड अपने इंस्टा पे। तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो जेके वैकेंसीज अपडेट करके, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जेके वैकेंसीज अपडेट करके। तो काइंडली फॉलो मी एंड अवर चैनल ऑल्सो एट इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।